हेलो फ्रेंड्स, आज आपका स्वागत है सिविल डायरीज पुणे में। आज हम देखेंगे बेसिक सर्वे। इसमें हम आज देखेंगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। ये है हमारा प्रॉब्लम। द फॉलोइंग रीडिंग्स वेयर ऑब्जर्व विथ डंपी लेवल। ये सब रीडिंग्स दिए हुए हैं, वो आगे उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दिए है। द इंस्ट्रूमेंट वॉज शिफ्टेड आफ्टर फोर्थ और सिक्स रीडिंग, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट हाफ रीडिंग वॉज टेकन ऑन बेंच मार्क, ये 33.435, ये एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। प्रिपेयर द लेवल पेज ऑफ द फील्ड बुक, ये हमें एग्जाम में पूछा जाता है। अभी हम उन्होंने हमें पूछा है एंटर द रीडिंग्स एंड कैलकुलेट द रिड्यूस लेवल हमें डिटरमाइन करना है, और उसके लिए हमें HI मेथड यूज करना है। अभी हम सर्वे में दो मेथड होता है, एक तो HI मेथड होता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, तो दूसरा होता है राइज एंड फॉल मेथड। अभी हम देख रहे हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। अभी हम टेबल कैसे प्रिपेयर करते हैं ये देखेंगे। इसमें फर्स्ट टेबल है स्टाफ और रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग ऐसा हम बोल सकते हैं, नहीं तो स्टाफ रीडिंग एट लोकेशन A B C D ऐसा बोल सकते हैं। और इसका एक पर्टिकुलर टेबल होता है, बैक साइड फर्स्ट में आता है, बीच में इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और रिड्यूस लेवल। अभी हम ये सब रीडिंग्स इस टेबल में पुट करेंगे। द फॉलोइंग रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग है 1.265, ये रीडिंग हम बैक साइड में लिखेंगे। दूसरा रीडिंग जो भी आता है वो इंटरमीडिएट साइड में आता है, 2.345, और तीसरा रीडिंग है 2.40। अभी उन्होंने हमें क्लियरली मेंशन किया है द इंस्ट्रूमेंट वॉज शिफ्टेड आफ्टर फोर्थ, तो ए फर्स्ट सेकेंड थर्ड ए फोर्थ, ए फोर्थ रीडिंग 1, 2, 3, 4, 3.625, ये रीडिंग फोर सेट में आएगा 3.625। इसके इंटरमीडिएट अगला रीडिंग हमारा बैक साइड में आएगा 0.365। और उन्होंने और भी मेंशन किया है कि सिक्स रीडिंग में चेंज पॉइंट है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ए फिफ्थ और ए सिक्स, ये सिक्स रीडिंग इधर आएगा 3.255 और उसके आगे ही 1.265। अभी इसके अगला रीडिंग 2.380 इंटरमीडिएट साइड में आएगा, और कभी भी लास्ट का रीडिंग है फोर साइड में आता है 3.215। अभी उन्होंने हमें बताया है कि रिड्यूस लेवल, बेंचमार्क का रिड्यूस लेवल उन्होंने हमें बताया है, तो ये इधर लिख के लेंगे हम 335435। रिमार्क में हम लिख सकते हैं बेंचमार्क। अभी हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालें, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए बेंचमार्क प्लस बैक साइड। अभी हम कैलसीफिक करके दिखाएंगे आपको, 5.435 प्लस बैक साइड है हमारा 1.265, तो अभी हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया 336.7। अभी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से इंटरमीडिएट साइड हम जब माइनस करेंगे, माइनस 2.345, तो अभी हमारा रीडिंग आएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हमारा रिड्यूस लेवल आएगा अभी 334.355। अभी इसी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से हम अगला रीडिंग माइनस करेंगे, 336.7 माइनस 2.420, अभी हमारा रीडिंग रिड्यूस लेवल आ गया 334.28। अभी देखिए इधर ये चेंज पॉइंट आया है, इधर हम रिमार्क में लिख सकते हैं चेंज पॉइंट 1, ये चेंज पॉइंट 2। अभी इधर ये हमारा रिड्यूस लेवल आ गया, ये रिड्यूस लेवल से ये फोर साइड माइनस करना है अभी 2.4। अभी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से हम ये फोर साइड माइनस करेंगे 3.625।
अभी हमारा रीडिंग आएगा 333075। अभी इस आरएल में हम बैक साइड करेंगे तो हमारा नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आएगा प्लस 0.365। अभी हमारा नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया 33.44। अभी इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से हम ये माइनस करेंगे कौन सा फोर साइड माइनस 3.25। तो अभी हमारा आर एल आ गया 330.185। अभी इस आर एल में हम ये बैक साइड करेंगे तो ये नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आएगा चेंज पॉइंट टू के लिए प्लस 1.265। अभी हमारा आ गया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 331.45। अभी इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से हम इंटरमीडिएट साइड माइनस करेंगे तो ये आर एल आ जाएगा माइनस 2.380 329.7। अभी इसी में से 331.45 माइनस ये फोर साइड करेंगे 3.215। अभी हमारा रीडिंग रिड्यूस लेवल आ गया 328.235। अभी हमने ये एग्जाम्पल की रिड्यूस लेवल हमने निकले हुए रिड्यूस लेवल ये करेक्ट है कि नहीं, इसी के लिए हमारे पास अरिथमेटिक चेक्स होते हैं। तो अरिथमेटिक चेक क्या है तो मैं आपको बताऊं, समेशन ऑफ बी एस माइनस समेशन ऑफ एफ एस इज इक्वल टू लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल। ये दोनों रीडिंग सेम आया तो हम समझेंगे कि हमारा कैलकुलेशन बराबर है। तो अभी हम ये करके देखेंगे, समेशन ऑफ बी एस 1.265 प्लस 0.365 प्लस 1.265, ये हमारा आ गया 2.895 माइनस फोर साइड 3.625 प्लस 3.255 प्लस 3.215 10.095। लास्ट आ रहा हमारा ये है 328.235 माइनस फर्स्ट आ रहा है 335। अभी ये दोनों हमारा सेम आना चाहिए 2.895 माइनस 10.095, ये हमारा आ गया 7.2। अभी हम 328.235 माइनस 335 माइनस 435। देखिए हमने वो जो एग्जांपल निकला है वो बराबर है, रिड्यूस लेवल हमने बराबर निकाला, ये अरिथमेटिक चेक है। वो हमने जो एग्जांपल है उसका चेक करने के लिए ये अरिथमेटिक चेक है। अभी हम एक बार फिर से देखेंगे कि हमने ये एग्जांपल कैसे छुड़ाया है। अभी ये देखिए, हमने वो फर्स्ट रीडिंग होता है कभी भी वो बैक साइड में लिखा जाता है, दूसरा रीडिंग वो इंटरमीडिएट साइड में आता है, जब चेंज पॉइंट आता है तभी वो फोर साइड में आता है, वो कंसेक्यूटिव उसका आगे का रीडिंग बैक साइड में आता है। कभी भी देखिए ध्यान से, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से हम ऐसे नीचे नीचे उतरते आएंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से ये इंटरमीडिएट साइड हम माइनस करेंगे, ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से ये दूसरा इंटरमीडिएट साइड, उसके बाद में ये तीसरा, और उसका जो आर एल आएगा उसमें हम बैक साइड ऐड करेंगे तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आएगा। वैसे ही इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से अगला फोर साइड माइनस करेंगे, उसका रिड्यूस लेवल इधर आएगा, रिड्यूस लेवल में ये बैक साइड ऐड करेंगे तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आएगा, और उसमें से इंटरमीडिएट साइड और बैक साइड हम माइनस करेंगे। कभी भी ध्यान में रखिए, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से इंटरमीडिएट साइड माइनस होता है और फोर साइड माइनस होता है, और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालते वक्त बेंचमार्क प्लस बैक साइड आता है, और चेंज पॉइंट के इधर रिड्यूस लेवल प्लस बैक साइड आता है।